IC 814 द कांधार हाईजैक के बाद अब नेटफ्लिक्स अपनी 3 साल पुरानी वेब सीरीज स्क्विड गेम को लेकर मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। इस सीरीज पर तुम्बाड़ फिल्म के एक्टर और फिल्म निर्देशक सोहम शाह ने कॉपीराइट उल्लंघन का केस कर दिया है। सोहम शाह ने सीरीज के लेखक और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर केस दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोहम शाह ने नेटफ्लिक्स और स्क्विड गेम के मेकर्स पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनकी 2009 की फिल्म लक को कॉपी किया है। कहा गया है कि स्क्विड गेम की कहानी लक से काफी मिलती जुलती है। साल 2009 में आई फिल्म लक में इमरान खान, संजय दत्त, श्रुति हसन लीड रोल में नजर आए थे। इसमें ऐसे कुछ लोग जो कर्ज के जाल में फंसे हैं वो बड़ी रकम जीतने के लिए मौत का खेल खेलते हैं। ऐसे ही कुछ सिमिलर कहानी स्क्विड गेम में भी देखने को मिलती है। सोहम शाह के कॉपी वाले आरोपों पर अब नेटफ्लिक्स ने जवाब भी दे दिया है। एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि नेटफ्लिक्स ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। नेटफ्लिक्स के एक प्रवक्ता के बयान में कहा गया कि इस दावे में कोई दम नहीं है। स्क्विड गेम का निर्माण और लेखन वोंग डोंग यूक ने किया था और हम इस मामले का जोरदार तरीके से बचाव करते हैं। आपको बता दें, नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर की वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होती हैं। स्क्विड गेम साउथ कोरिया की ही एक सीरीज है जिसे दुनिया भर के दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं अगर बात करें सोहम शाह की, तो इन दिनों वो अपनी 2018 में आई फिल्म तुम्बाड़ को लेकर काफी चर्चा में है। ये हॉरर फिल्म दोबारा सिनेमा घरों में रिलीज की गई है। इसने 13 सितंबर को रिलीज के दिन ही 1.65 करोड़ का बिजनेस किया और बता दें कि इतनी कमाई इसने पहले रिलीज के वक्त भी ओपनिंग डे पर नहीं की थी। वहीं फैंस के लिए खुशखबरी ये भी है कि तुम्बाड़ के सीक्वल का भी ऐलान कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि तुम्बाड़ को हॉरर जोनर में कल्ट फिल्म माना जाता है। हालांकि फिल्म थिएटर्स में तो कमाल नहीं दिखा सकी थी उस वक्त, लेकिन बाद में इसे लोगों से काफी सराहना मिली थी। इस पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया TV शो बस के साथ।